शहर में गांजा एवं एमडी की तस्करी के मामले आए दिन सामने आ रहे हैं। गश्त के दौरान कई संदिग्धों से पुलिस कई बार मादक पदार्थ जब्त कर चुकी है। इसी श्रृंखला में शहर के मोमिनपुरा परिसर से गश्त के दौरान पुलिस ने एक संदिग्ध वाहन की तलाशी में 5.5 ग्राम एमडी बरामद की, जिनकी कीमत 16,800 रुपए बताई जा रही है। साथ ही पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक पकड़े गए आरोपियों में यवतमाल निवासी अनवाज अनवर खान उम्र 34 वर्ष तो दूसरा यवतमाल निवासी 22 वर्षीय शाहिद एजाज शेख और बड़ा ताजबाग निवासी निहाल खलील अहमद उम्र 40 वर्ष शामिल है। ये तीनों ही सफेद रंग की मारुति कंपनी की एस क्रॉस कार क्रमांक MH 29BC0271 में एमडी लिए मोमिनपुरा परिसर के मोहम्मद अली सराय के पास किसी होटल में खाना खाने के लिए गए हुए थे। इसी बीच गश्त के दौरान पुलिस को उक्त वाहन पर संदेह हुआ। जब पुलिस ने वाहन की तलाशी ली तो उसमें से एक प्लास्टिक की थैली में रखी 5.6 ग्राम एमडी ड्रग्स मेफेड्रॉन बरामद हुई। इसके बाद जब आरोपियों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की गई तो पता चला कि आरोपी बड़ा ताजबाग निवासी निहाल अहमद से ड्रग्स खरीदी गई थी। ड्रग्स की कुल कीमत 16,800 रुपए बताई जा रही है, जिसे जब्त कर पुलिस आरोपियों से मामले की अधिक जांच कर रही है। बरोबर है, रविवार दिनांक 6/8/23 रोजी मोमिनपुरा भागात आमची रात्री 12 वाजेपासून नाकाबंदी असते। नाकाबंदी दरम्यान एक कार आली, मारुती रंगाची, नंबर तिचा MH 29BC0271। ह्या गाडीत 2 इसम होते। आम्ही त्यांना अटकले असता तरी तिथे थांबले। डाऊट आला की काहीतरी नशेचे आहारी असतील म्हणून त्यांना खाली उतरवलं, त्यांच्या खिस्याची झडती घेतली। तर त्यात त्यांच्याकडून जे आरोपी अनवाज खान वल्द अनवर खान 34 वर्षाचा आणि शादीब शेख वल्द इजाज शेख हे दोघं वणीचे आरोपी आहेत। आणि त्यापैकी अनवाजच्या खिशात आम्हाला एक पुडी मिळाली, त्यात एमडी 5.6 ग्रॅम किंमत अंदाजे 18,000 रुपयाचा मुद्देमाल आम्हाला मिळाला। 2 मोबाईल मिळाले, त्यांना आणलं पोलीस स्टेशनला, व्हेरीफाय केलं। ते कंटिन्युअस एका माणसाच्या कॉन्टॅक्टमध्ये होते, ताजबागचा निहाल अहमद म्हणून। रात्री परत त्याला भेटी चौकीसाठी वगैरे आणलं आणि खात्री झाली की या दोघं इस्मानकडे एमडी होती आणि त्यांनी निहालामध्ये याच्याकडे एमडी घेतली होती। या दोघांना पहिले अटक केली, त्यांच्या ताब्यातली कार, 2 मोबाईल आणि एमडीचा मुद्देमाल जप्त केला। तसेच निहाल याला पण अटक केली। ठीक आहे, सध्या PCRमध्ये आहे आणि अशा रीतीने नाकाबंदी दरम्यान सतर्कपणे नाकाबंदी केल्यामुळे एमडी आम्हाला या आरोपींकडे मिळून आली। NBC न्यूज के लिए अखिलेश भारद्वाज के साथ अक्सान सारी की रिपोर्ट।